बाहुबली फ्रेंचाइजी से पैन इंडिया लेवल के स्टार बन चुके प्रभास काफी टाइम से एक हिट मूवी के लिए तरस रहे हैं। उनकी पिछली दो फिल्मों ने बहुत ही खराब कलेक्शन किया है, फिर चाहे वो साहू हो या फिर राधे श्याम, लेकिन उनकी आने वाली फिल्मों से पब्लिक को बहुत उम्मीद है, खास तौर से सालार की, बिकॉज ये KGF यूनिवर्स को एक्सपेंड करने वाली है। इसको बनाने वाले डायरेक्टर भी वही हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि यस इसमें स्पेशल कैमियो प्ले करेंगे, प्लस NTR की जो मूवी बन रही KGF मेकर के साथ वो भी इसके साथ इंट्रोवर्ट की जाएगी। तो प्रभास के लिए बहुत बड़ा मौका है, बिकॉज KGF के मेकर इसको उनके डबल रोल के साथ डिजाइन कर रहे हैं। हालांकि मूवी को लेकर कई तरह की डेली न्यूज आ रही है और फैंस को निराश कर रही है। इस मूवी को लेकर कई तरह के BTS यानी बिहाइंड द सीन वीडियो आए हैं, प्लस कई तरह की क्लिप भी लीक हुई हैं, लेकिन मेकर्स द्वारा ऑफिशियल टीजर ट्रेलर अनाउंसमेंट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। यही बात फैन को परेशान कर रही है, बिकॉज कोई मूवी अनाउंस होती है तो उसको लेकर पब्लिसिटी के थोड़े थोड़े टीजिंग मोमेंट डालने जरूरी होते हैं, ताकि मूवी को लेकर एक तरह का स्पार्क बना रहे। लेकिन यहाँ मेकर्स की चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि अब मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि क्यों इस वजह से सालार को रोका गया। मेकर्स के मुताबिक वो चाहते हैं कि प्रभास की मूवी पहले जो बन रही थी आदि पुरुष वही आ जाए। एक्चुअली आदि पुरुष पहले जिस डेट पर आ रही थी वो थोड़ा सा डिले हो गई, बिकॉज जब इसका टीजर 2 अक्टूबर को आया था तब काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ था इसके बैड VFX की वजह से, मूवी को नेगेटिविटी कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा, इसलिए आदि पुरुष को डिले किया गया। आदिपुरुष जैसे डिले हुई प्रभास के सालार भी डिले होती चली गई, बिकॉज डेट और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पहले आदिपुरुष को रिलीज होना है। इसलिए सालार के जो मेकर्स हैं वो नहीं चाहते कि आदिपुरुष की ब्रांडिंग पर कोई निगेटिव असर पड़े, इसलिए सालार को बार बार प्रमोट करने से बचा जा रहा है। अगर ऐसे सालार के कैमियो आते हैं, सालार के टीजर आते हैं, तो आदिपुरुष की फिल्म को थोड़ा ठंडा माना जाएगा, यहीं पर टी सीरीज को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आदिपुरुष के लिए रास्ता खाली करने के लिए सालार को बैकफुट पर डाला गया है। वैसे सालार के साथ कई नई नई अपडेट जुड़ते जा रही हैं। इस मूवी को जिस इफेक्ट के साथ बनाया जा रहा है उसके लिए हॉलीवुड की पूरी टीम इंडिया पर आ चुकी है, प्लस NTR के साथ साथ कई लोग और एसोसिएट हो रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि एक तरह का स्पेशल यूनिवर्स क्रिएट हो रहा है, जहां पर KGF भी आएंगे, NTR भी आएंगे, और यहां पर सालार के प्रभास तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं। तो जिस तरह लोकेश कनगराज का अपना विक्रम कैथी वाला यूनिवर्स चल रहा है, हिंदी में भोला चल रहा है, प्लस कॉप यूनिवर्स चल रहा है, वैसे ही KGF का यूनिवर्स होगा, जहां पर माफिया और माइंस की कहानी को बहुत ही बड़े लेवल पर दिखाया जाएगा, और प्रभास के सालार इस पूरी मूवी को डिफरेंट एस्पेक्ट में पेश करेगी। उम्मीद करते हैं आदिपुरुष जल्द ही आए, ब्लॉकबस्टर हो और सालार के लिए रास्ता खुले, वरना पब्लिक तब तक सालार को लेकर पेशेंस अपना आउट ऑफ एक्शन ना कर दे। सो फ्रेंड, ऐसी एक्साइटिंग ऑसम और एंटरटेनिंग कंटेंट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन एंड बेल आइकन बटन ऑफ मूवी फॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर अवर वीडियोज़।